बलिदान दिवस पर क्रांतिकारी टंट्या मामा को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस और बीजेपी नेता भी खंडवा पहुंचकर उनकी जन्मस्थली पर शीश नवाते हुए नजर आए। टंट्या मामा भले ही मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके वंशज जिस हालत में रहने को मजबूर हैं, उसने कहीं ना कहीं टंट्या मामा के मिलने वाले मान सम्मान की चमक को फीका कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी सियासी बिसात अभी से कांग्रेस और बीजेपी ने बिछानी शुरू कर दी है और इस सियासत के केंद्र में है जनजाति समाज से आने वाली क्रांतिकारी टंट्या मामा। आज के समय में टंट्या मामा मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बन चुके हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों के नेता टंट्या मामा के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कड़वा सच ये भी है, जिन टंट्या मामा के नाम पर चौक चौराहों का नाम रखा जा रहा है, जिन टंट्या मामा के दर पर आज खुद सरकार जा रही है और जिन टंट्या मामा की जन्मस्थली पर देश में सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी भी जा रहे हैं, उस टंट्या मामा के वंशज जिस स्थिति में रह रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। और कच्चा मकान है हमारे पास, तो ये अभी सरकार दे रही था, अभी हमको सचू सरपंच ने भी नहीं दिया, हमने किसी को बोला भी नहीं कि भाई हमको पक्का मकान दो, हम भी गरीबी हालत में बैठे। टंट्या मामा के वंशज आज भी सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी महान क्रांतिकारी टंट्या मामा के वंशज खंडवा में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हम ऐसी स्थिति में है कि हमको आज तक कोई कुटिया उटिया भी नहीं मिली, कोई लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, बाहर शौचालय करने जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि तुम टंट्या मामा के वंश वाले हो, उसके बाद में हमको कुछ लाभ नहीं है और आके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हमारे बारे में सोचते हैं और ऐसा टूटा फूटा हुआ घर है गिरने के लायक, उसमें हम गुजर बजर कर रहे रह रहे। जिस तरह से टंट्या मामा का सम्मान हो रहा है, उससे खंडवा की भूमि पर जन्म लेने वाले महान क्रांतिकारी और गुमनाम हो चुके टंट्या मामा का नाम तो पूरी दुनिया ने जाना, लेकिन इस गुमनामी ने उनके वंशजों को सुचित अधिकार से वंचित रखा जिनके वे सही मायने में अधिकारी हैं। आज सरकार गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर टंट्या मामा के नाम को किताबों में तो जगह दे रही है, लेकिन उनके परिवार को भी सरकार से मदद की दरकार है। और अब हम चाहते हैं कि देश की आजादी का इतिहास, जनजाति वीरों का योगदान, उस विषय को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए और उसको लेकर के हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जननेता रात और दिन, मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं जब खंडवा जिले से अनुसूचित जनजाति मंत्री था तो मैंने टंट्या मामा की समाधि स्थल और टंट्या मामा के जो जन्म स्थल को आगे बढ़ाने का और स्मारक बनाने का बीड़ा उठाया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज सब कुछ वो किया है जो कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं किया। आज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए टंट्या मामा एक बड़े वोट बैंक को साधने वाला नाम है, लेकिन ना तो कांग्रेस ने इतने सालों के राज में कभी उनके वंशजों की खोज खबर ली और मौजूदा सरकार ने भी टंट्या मामा को सम्मान तो दिया लेकिन बुनियादी सुविधाएं मिलने की दरकार है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिन टंट्या मामा के नाम की माला कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता जप रहे हैं, उन टंट्या मामा के वंशजों की बदहाली कब खत्म होगी। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ टीम न्यूज़ से।